यूपी बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे कब आएंगे। लंबे अरसे से इसका इंतजार छात्रों को था कि आखिरकार कब आएंगे नतीजे, और उनका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में हस्तक्षेप किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द नतीजे घोषित किए जाएं। इसके बाद हरकत में आए अधिकारी और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। यूपी बोर्ड के नतीजे अब आपके सामने होंगे। हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, बताइए कब आ रहे हैं नतीजे? जी उदय जी, आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो दिनांक जो है डिक्लेयर की गई है, वो कल 18 जून शनिवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे आ रहे हैं। 10वीं के नतीजे अपराह्न 2 बजे आएंगे, वहीं 12वीं के नतीजे जो है शाम को 4 बजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिस हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होना था, घोषित होना था, उसमें इस बार काफी विलंब हुआ है, क्योंकि अप्रैल में जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। इस आधार पर हर हाल में मई के अंतिम वीक तक जो है, अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार काफी लेट हो गया और ये आधा जून पार हो गया है। तो 18 जून शनिवार को कल 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे। और हम आपको बता दें कि इस बार जो सीतापुर जिले में है, हाई स्कूल में 42,964 बच्चे पंजीकृत थे और इंटर में 37,662 बच्चे पंजीकृत थे। तो कुल जो है 80,626 बच्चे यूपी बोर्ड में पंजीकृत हुए थे। अगर हम बात करें कि अनुपस्थित, तो हाई स्कूल में 3,001 बच्चे अनुपस्थित हुए थे, 39,963 बच्चों ने परीक्षाएं दी थी। बात करें अगर इंटरमीडिएट की, तो 37,662 बच्चे इंटरमीडिएट में पंजीकृत थे, जिसमें से 2,470 ने परीक्षा छोड़ दी। तो 35,192 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो यूपी बोर्ड में सीतापुर में 75,155 परीक्षार्थियों ने जो है इस बार परीक्षा दी। करीब 6.5% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। जी बिल्कुल जी, 75,000 परीक्षार्थियों को इंतजार था नतीजों का, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, जो उन्होंने परीक्षाएं दी थी कि उसका रिजल्ट कब आएगा। अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। शनिवार 18 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रियांशु जी, बताइए कि परीक्षार्थी कैसे अपना रिजल्ट जान सकेंगे? जी, इस बार हम बता दें जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें upmsp.edu.in, uprezults.nic.in, upmspreresults.up.nic.in, ये हम आपको अपनी जो इंडिया की स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, ये वेबसाइट तीनों उस पर भी लिखी हुई आ गई है। परीक्षार्थी उस पर देख के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और मैसेज के माध्यम से भी सुविधा प्रदान की गई है कि मैसेज से भी परीक्षार्थी अपना रिजल्ट चेक कर लें। हम आपको बता दें कि कोरोना कोविड काल के बाद से 2 साल बाद ये परीक्षाएं आयोजित हुई थी। बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उन्हें उत्सुकता से इंतजार था कि परीक्षाएं, पहले ये डेट 9 जून घोषित की गई थी कि 9 जून को रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन 9 जून को किसी कारणवश तैयारी नहीं पूरी हो पाई, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया। तो अब 18 जून को रिजल्ट की डेट फाइनल हो गई है, शनिवार को रिजल्ट आ रहा है। 10वीं के जो नतीजे हैं वो 2 बजे दोपहर में, और 12वीं के नतीजे शाम 4 बजे जो है परीक्षार्थी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आई इंडिया आपको दे रहा है। 18 जून को नतीजे घोषित करने का ऐलान कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे हाई स्कूल और 4 बजे इंटरमीडिएट के नतीजे आएंगे। यूपी की बात करें तो तकरीबन 48 लाख परीक्षार्थियों को इंतजार था नतीजों का, और सीतापुर में 75,000 परीक्षार्थी इंतजार कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि कल नतीजे घोषित होने के बाद सबसे पहले आप आई इंडिया पर देख सकते हैं नतीजों का हाल। सीतापुर में किसने बाजी मारी, कितने टॉप 10 में जगह बनाई, और उस टॉपर्स का क्या है कहना, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल के साथ उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें आई इंडिया से। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।